हाय गाइस, आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो के अंदर। फाइनली डिले पे डिले डिले पे डिले डिले पे डिले। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। ठीक है यार, आज हम करने वाले हैं पबजी न्यू स्टेट का टेस्ट, जो कि हम करेंगे रियलमी 8 के अंदर, जैसे कि आप देख सकते हो। तो भाई देखेंगे क्या इसमें गेम प्ले रहता है, कितने FPS दे सकता है। तो इसमें तो बहुत ही मजा आने वाला है टेस्ट के अंदर। तो चलिए फटाफट से करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो, ये रहा हमारा रियलमी 8। तो पहले मैं आपको सारी चीज़ें जो इसके चेक करा देता हूँ। सबसे पहले मैं जाना चाहूँगा प्ले स्टोर में, हम लिखेंगे था पबजी न्यू स्टेट। तो हाँ, मैं इतना बोलूँगा कि देखो भाई, मैंने तो दो अपडेट आई है इंस्टॉल करने के बाद में। मैं लॉन्च डेट से जो पबजी हमारा खेल रहा हूँ, और भाई मेरे को उसके बीच में जो है दो अपडेट देखने को मिले थे, कल मिला था और उसके पहले मिला था। और बीच में जो है सर्वर भी मेंटेनेंस पे गया था कल। तो वो सब करने के बाद ही मैं वीडियो बना रहा हूँ। आप डेट भी देख सकते हो भाई, आज 19 नवंबर है। और मैं आपको बता दूँ मेरा कौन सा, मतलब क्या स्पेसिफिकेशन थोड़ा बहुत बता दूँ आपको फ़ोन के। तो भाई देखेंगे, मेरा 4GB रैम वाला वेरिएंट है, देखेंगे 4GB, और मैंने जो रैम एक्सपांड करके रखा है 3GB तक। तो ये चीज़ याद रखना, और देखेंगे स्पेसिफिकेशन बताने की ज़रूरत नहीं आ रही, इतने महीने हो गए लॉन्च हो गए फोन, आपको सब पता ही होगा। और मैं लेटेस्ट सॉफ्टवेयर वर्जन पे हूँ, हाँ मैंने 8.21 अपडेट जो इसके अंदर ऑलरेडी कर रखा है, आपके साथ रिव्यू शेयर किया था। अगर आपने अपनी नहीं देखा है तो मैं ऊपर काट दूंगा, बाद में देख लेना। तो भाई अभी जो मैं क्या करने वाला, अभी तो भाई फटाफट से हम करने वाला हमारा चालू पबजी न्यू स्टेट। और हम करेंगे पहले, देखेंगे कितने भाई कितने सेकंड में जो है हमारा पबजी न्यू स्टेट चालू हो जाता है। तो भाई सबसे पहले तो ये वाला टेस्ट करेंगे, तो दोनों को दबाते हैं भाई साथ में। और भाई देखेंगे टाइम हमारा स्टार्ट हो चुका है, और भाई हमारा अब गेम भी स्टार्ट होना चालू हो गया है। सो गाइस देखेंगे, हमारा जो है लगभग हमको 30 सेकंड लगते हैं पूरे हमारे पबजी को चालू होने के लिए। तो भाई इसको अब रखते हैं साइड में, इसका काम हो गया है। और अब आते हैं हमारे गेम के ऊपर। तो देखेंगे गाइस, कुछ इन्वेंट्री हमको कुछ इस तरीके की मिलती है, आपने सब कुछ तो ऑलरेडी देख रखा होगा। सीधे से भाई मैं आपको चल के ग्राफिक्स बता देता हूँ, क्या हमको रियलमी 8 के अंदर कौन से ग्राफिक्स देखने को मिलते हैं। तो देखेंगे गाइस, आपको मिलता है परफॉर्मेंस के ऊपर, देखेंगे आप भाई हम रख सकते हैं लाइट ग्राफिक्स और मैक्स FPS। सो गाइस सीधे से मैं आपको बता देता हूँ, आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। तो आप जब आप यहाँ पे ग्राफिक्स लाइट रखोगे तो आपको मैक्स FPS मिलेंगे। मैक्स FPS यानी कि आपको मिलेंगे 50 FPS, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा देवमानिस बनना हो गया हमारा रियलमी चालू, पर यार थोड़ा सा और देवमानिस बन जाता एक्सट्रीम दे देता तो हमको जो है इधर 60 FPS मिल जाता, बट यार 10 FPS कम होने से क्या फ़र्क पड़ता है, दे देना चाहिए 60 FPS पर कोई नहीं। और जैसे ही आप ग्राफिक्स को मीडियम पे लेकर जाओगे तो देखेंगे आप ये अल्ट्रा पे चल जाता है यानी कि 40 FPS, और देखेंगे हाई पे भी अल्ट्रा रहता है, और अल्ट्रा पे ये देता है भाई साहब वेरी हाई FPS। तो भाई इतना ही FPS आपको देखने को मिलता है। तो भाई मेरे हिसाब से देखेंगे ज़्यादा करके लोग जो है लाइट में और मैक्स ग्राफिक्स में ही प्ले करेंगे। 50 FPS सबको FPS ज़्यादा लगता है यार, ग्राफिक्स क्या ही करेंगे। और गाइस मैं एक चीज़ बताना भूल गया था कि हम जो टेस्ट करने वाले हैं दो पार्ट में करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो के कुल मिलाकर दो पार्ट आने वाले हैं, ये जो आप देख रहे हो फर्स्ट पार्ट है, तो इसके अंदर जो हम विदाउट स्क्रीन रिकॉर्डिंग खेलेंगे, और जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें हम विद स्क्रीन रिकॉर्डिंग खेलेंगे, और देखेंगे भाई कि क्या FPS हमको ये दे देता है और कैसा चलेगा गेम। तो भाई दो पार्ट में इसलिए करा क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है जब मैं दोनों एक साथ करता हूं, तो भाई 20-25 मिनट तो वीडियो कौन देखेगा। तो मैं दो पार्ट में भी इसलिए किया, तो और आपको आसानी भी होगी देखने के लिए, और भाई आपको समझ में भी अच्छे से आएगा, और मैं ज़्यादा खेल भी पाऊंगा और आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस भी शेयर कर पाऊंगा। खैर मैं इसको लॉन्च डेट से खेल रहा हूं, तो मेरे पास अच्छा खासा इसका एक्सपीरियंस है। तो अभी देखेंगे भाई इसके अंदर जो है मैंने रैंकर भी डाउन कर रखा है, और देखेंगे मैं पहले TDM खेलूंगा, तो मैंने TDM भी डाउन कर रखा है। तो भाई फटाफट से स्टार्ट करते हैं। और गाइस यहाँ पर जो है हैप्टिक फीडबैक हमको थोड़ा अच्छा देखने को मिलता है, जैसे ही मैच स्टार्ट होता है तो भाई अच्छा खासा वाइब्रेट होता है। तो मैं तो सोच रहा भाई जब रियलमी वाई 3 में हमको हमको देखने को मिलेगा भाई 40 वाइब्रेशन, तो उसमें कैसा वर्क करेगा। देखेंगे हमारा मैच जो स्टार्ट हो चुका है, हम खेलना इसको चालू करते हैं। भाई ये क्या हाथ में पकड़ा भाई फोड़ा, और देखेंगे गाइस अभी तो हमको 50 FPS दे रहा है ये। ओ बाय बाय प्रो प्लेयर बाय। गाइस देखो देखो गाइस फ्रेम ड्रॉप्स। ओ भाई 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 नाइस फ्रेम ड्रॉप्स। तो गाइस मैच खत्म हो चुका है, और भाई हाँ अगर मैं बात करूँ फ्रेम ड्रॉप्स की, तो हल्के फुल्के कहीं ना कहीं हमको जो है फ्रेम्स देखने ड्रॉप देखने को मिल रहा था, पर हाँ ओवरऑल फिर भी ठीक था। 50 FPS में थोड़ा बहुत तो भाई अच्छा चलता है, मतलब चलता है, बट यार हाँ कहीं ना कहीं तो आपको फ्रेम ड्रॉप्स जो है देखने को मिलने ही वाले हैं। हाँ मैं एक चीज़ बताना भूल गया था यार, बैटरी और हमारी जो टाइम हो रहा है वो तो ठीक है यार, एक TDM था 5 मिनट का ही था। तो भाई देख लीजिए आप जो टाइम हो रहा है भाई, वो हो रहा है 12:39 यानी कि 12:40 हो रहे हैं, और बैटरी देख रहे हो 85 है। तो भाई अब हम हमारा प्यारा जो है रैंगल हमारा चालू करने वाले हैं, और भाई अब देखेंगे क्या ही मज़ा आने वाला है इसमें, देखते हैं भाई कितने फ्रेम ड्रॉप्स देखने को मिलते हैं। हमारे FPS अभी भी उतने ही हैं, तो भाई चलिए करते स्टार्ट।
और गाइस अब अगर मैं बात करूँ इसके जायरोस्कोप की, तो भाई पहले आपको मैं सेंसिटिविटी दिखा देता हूँ मेरे जायरो की कितनी है। तो देखेंगे मैं जाता हूँ नीचे जायरो में और देखेंगे भाई जायरो जो है मेरा 300 है। तो देखेंगे भाई ये रहा हमारा जायरो, तो कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है। तो भाई हाँ इतना कहना चाहूँगा भाई जायरोस्कोप बढ़िया है यार, ठीक है अच्छा जायरोस्कोप इसके अंदर आपको अच्छा खासा देखने को मिलता है। पर हाँ BGMI की जैसी 400 फैंस ही नहीं, तो भाई उतना भी मतलब नेक्स्ट लेवल तो नहीं है, बट हाँ फिर भी ठीक है। देखेंगे मैं ग्राफिक्स फिर से बता दे रहा हूँ, लाइट में मैक्स खेल रहे 50 FPS के अंदर। और भाई हमारा एंगल जो है कुछ ज़्यादा ही अच्छा इन्होंने कर दिया, कुछ ज़्यादा ही अच्छे चेंजेस कर दिए हैं गाइस। प्लेन विलेन सब कुछ बदल चुका है एकदम। और देखो भाई इधर भी देखो भाई जायरोस्कोप आप एक नंबर जायरोस्कोप, एकदम स्मूथ, एकदम कोई दिक्कत नहीं जायरोस्कोप में, एकदम अच्छा स्कोप देखने को आपको मिलता है। तो गाइस जंप कर दिया है और देखेंगे 48 FPS गए, ठीक है यार ज़्यादा ड्रॉप नहीं हुआ 2 FPS से यार, भाई क्या ही हो रहा है। मतलब जंप के टाइम भी भाई ज़्यादा ड्रॉप देखने को नहीं मिला। देखेंगे गाइस हल्का फुल्का ऐसा मेरे को लगा कि फ्रेम धीरे, हाँ 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 गाइस 4 FPS देखेंगे जंप करते टाइम पर तो नहीं, बट हाँ अभी हमारे जो है हल्के से फ्रेम ड्रॉप्स हुए थे, हल्के तो क्या कुछ ज़्यादा ही फ्रेम ड्रॉप होता, पर कोई नहीं। ओ गाइस फ्रेम ड्रॉप्स, फ्रेम स्किप्स एक्चुअली। ये देखो गाइस फ्रेम्स देखो जायरोस्कोप भी थोड़ा काम करना बंद हो जाता है हल्के टाइम के लिए जब फ्रेम्स गिरते। देखेंगे 26 फ्रेम्स, तो हाँ FPS ड्रॉप देखने को मिला है, स्टार्टिंग में नहीं मिल रहा था बट हाँ भाई मैच चालू करते ही मिल रहा है। तो देखिए इधर पूरा दोष जो है मोबाइल को भी नहीं दे सकते और पूरा दोष गेम को नहीं दे सकते भाई, क्योंकि गेम्स ये जो गेम है पबजी न्यू स्टेट अभी जो है वो नहीं है, मतलब क्या नाम है ऑप्टिमाइजेशन नहीं है इसके अंदर बिल्कुल भी। जैसे पबजी पहले आया तो वो भी ऐसे ही इसी तरीके से ज़्यादा लैग होता था, बट आपको पता ही ना यार मैंने आपको BGMI टेस्ट आपके साथ शेयर किया हुआ है, आपको पता है ये रियलमी में इतना अच्छा खासा नहीं चलता है, फ्रेम ड्रॉप्स तो देखने को मिलते ही है। तो बस आईफोन में लैग हो रहा है यार पबजी न्यू स्टेट, तो फिर भी तो यार ये तो एंड्रॉइड फोन है। देखेंगे अभी भी फ्रेम्स जो है कंटिन्यूसली हमारे गिर रहे, देखेंगे अभी भी है, देखो भाई जायरोस्कोप भी अजीब सा काम करने लगता है जब FPS गिरते हैं। तो ये देखो गाइस 13 FPS गाइस। ओहो हो फ्रेम स्किप, गलत वाला फ्रेम स्किप भाई, फ्रेम्स कुछ ज़्यादा ही गिर गए थे यार। दूसरा मैच लगाते गाइस फटाफट, फ्रेम्स। ओ भाई मारते मारते एकदम ही फ्रेम्स गिर गए थे। लैग। अरे भाई हेवी लैग। से बॉट भागता हुआ और ये कुचलते गया और ये सीधा नॉक। अरे कब होगा, ठीक कब होगा बोल दे, कल होगा। अरे ये क्या चल रहा है यार, ये यार बंदा मार तो दिया पर लैग बहुत हो रहा था इसके टाइम मार। ये देखो गाइस गाड़ी चलाते हुए FPS साहब लाइफ मदर, आवाज़ गई फिर आ गई आवाज़, लाइफ मदर लीजिए आप FPS का। सो गाइस एक मैं ट्राई वाला मैप लगाना चाहूँगा कि जो इन्होंने बाय डिफॉल्ट आता है डाउनलोडेड, तो भाई एक मैच ये खेल के देखते हैं बैटल रॉयल की भाई इसमें कैसा चलता है गेम, क्योंकि भाई ये जो रैंगल में तो जैसा भाई अपना उतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा है, बिल्कुल भी स्टेबल FPS नहीं रह रहे थे। अब देखते भाई ये वाले मैप में क्या होता है। बस वाह व्हाट अ एक्सपीरियंस, क्या FPS दे रहा था गाइस इधर, इतना अच्छा FPS यार मज़ा आ गया। सो गाइस एक फाइनल मैच हम खेलने जा रहे हैं फुल ग्राफिक्स के अंदर, और भाई देखेंगे वेरी हाई पे जो है हमारा चल चुका है, इसको करते हैं सेव।
और अगर मैं आपको एफ पी बता दूँ कि आपको मैक्स पे कितना, मतलब मैक्स ग्राफिक्स पे कितना मिलेगा एफ पी एस, तो देखेंगे अभी इधर हमको 35 एफ पी एस देखने को मिलने वाले हैं। तो भाई देखो 30 तो भूल जाओ यार, तुम लोग आपने देख लिया आपको 50 एफ पी एस में कितना ही अच्छा गेम प्ले देखने को मिल रहा है। देखेंगे अभी ये 40 की है, यानी कि आपको जो है मैक्सिमम ग्राफिक्स पे आपको 40 एफ पी एस देखने को मिल जाएगा। और भाई साहब ग्राफिक्स जो है भाई काफ़ी तगड़े हो चुके हैं, मैं इतना कहना चाहूँगा भाई एकदम एक नंबर ग्राफिक्स हो गए। लेकिन आपको जैसे कि पता है भाई ये तो एकदम लो ग्राफिक्स में एकदम ही बेकार चल रहा था, तो भाई आप पता नहीं है हाई ग्राफिक्स में क्या होगा। बट हाँ ये अब लास्ट मैच है क्योंकि आपने 1.5 घंटे से भी ज़्यादा जो है खेल लिया उसको। ग्राफिक्स तो भाई एकदम ही तगड़े हो गए इसके और लैग भी एकदम तगड़ा हो चुका है। हाय 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 एक नंबर लैग। ओ वाह अरे 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 ओपी लैग। सो गाइस हमने सारे मैचेस खेल लिए जैसे कि आपने देखा। और अब मैं बात करूँ अगर अपने टाइमिंग की, तो देखेंगे जो टाइम हो रखा है वो भाई देखेंगे हमने 1.5 घंटे ज़्यादा खेला है, 2 बजने को आए हैं। और जो चार्जिंग बची हुई है 60% हमने स्टार्ट किया था 85% पर, तो कुछ इतना हमको जो है बैटरी ड्रॉप देखने को मिला है। और अगर मैं बात करूँ एक्सपीरियंस की, तो एक्सपीरियंस बिल्कुल ही बेकार था मेरा, इतना कुछ अच्छा नहीं था भाई, एकदम ही एक टाइम भी इसमें जो है ठीक से 50 FPS नहीं दिया है जैसे कि आपने वीडियो में देख ही लिया होगा। तो भाई अभी के लिए तो भाई इतना अच्छे FPS देखने को नहीं मिलते, हो सकता है गेम भी ऑप्टिमाइजेशन नहीं है और भाई रियलमी UI तो है ही बहुत भारी, तो आपको पता ही होगा कैसा एक नंबर ग्राफिक अपने को देता है। ग्राफिक्स काफ़ी अच्छे हो गए थे जब हमने इसको हाई ग्राफिक्स पे प्ले किया था, बट FPS भाई उससे भी बेकार हो गए थे जितने हमको 50 में मिल रहे थे। इसके बाद जो आपको पार्ट देखने को मिलेगा उसके अंदर हम करेंगे स्क्रीन रिकॉर्डिंग। सो गाइस हमारा पार्ट 1 बस इतना ही था, जैसे कि आपने देखा हमने सारा कुछ गेम प्ले किया और जो भी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया। तो भाई अभी जो है अब अगले पार्ट में हम देखेंगे स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ में कितने FPS देता है। वैसे तो भाई अभी ही इसकी परफॉर्मेंस मालूम पड़ गई कितनी अच्छी थी। और गाइस बाय करें और ना करें तो आपको कंक्लूजन जो है आपको नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिलेगा पार्ट 2 में, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बने रहो। तो भाई साहब बहुत मेहनत लग रही है वीडियो बनाने के लिए, अभी 1.5 घंटे लगे सिर्फ ये शूट करने के लिए, अभी इसके बाद में 2 घंटे और लगेंगे हमको स्क्रीन रिकॉर्डिंग शूट करने के लिए। खैर मैं अगले दिन करूँगा, पर आप समझ सकते हो 1.5 घंटा शूट करना फिर एडिट करना, तो उसके लिए एक लाइक कर दो, मैं एम कर दो 100 लाइक्स का क्योंकि भाई मेहनत बहुत लग रही है। प्लीज़ लाइक कर दो और भाई जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करो, हमको 1K जल्दी जल्दी पहुंचना है, क्लोज है हम अभी 1K के, जल्दी से करो सब्सक्राइब सपोर्ट करो और 1K करो फटाफट से। तो वीडियो का ये पार्ट पसंद आया वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं अगले भी पार्ट में, तब तक के लिए बाय।